5G शक्ति हमें दे ना डाटा, फोन का सिग्नल कमजोर हो ना। इतनी शक्ति हमें दे ना डाटा, फोन का सिग्नल कमजोर हो ना। हम रहे नेटवर्क कवरेज में हर कदम पे, कर भी ना ऑफलाइन हो ना। खैरियत पूछने का जमाना गया साथियों, अब आदमी ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लीजिएगा सब ठीक है और भगवान हम सबको ऑनलाइन रखे। तो गौर फरमाइएगा, साल में एक बार 26 जनवरी आता है, सब लौंडे स्कूल जाते जलेबी खाने के लिए। न्यू लवर्स का फिर से मिलन हो जाता है, तो ठीक है सब कोई आप लोग जाइए मिठाई खा के आइए। मौका लो यार, रुपया गाइए कहे ला तुमने गांड फाड़ रहे हो रे। गांधी जी बुलाए हैं कक्ष में, थोड़ा चलिए मिल लीजिएगा। ठीक है चल। काम गांधी जी। ओ भौकाल। हाँ बैठो बैठो। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ भौकाल, बहुत बड़ा काम का जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ, क्या तुम कर पाओगे भौकाल? मैं पैदा ही खतरनाक हुआ था, अब काम बताओ गांधी जी। ठीक है बेटे, वैसे तुम्हारा घर छोटा और पतला है लेकिन तुम्हें 21वीं सदी में जाना होगा। ठीक है, 21वीं सदी कौन सा गांव का नाम है? 21वीं सदी कोई गांव का नाम नहीं है, तुम्हें भविष्य में जाना है, भविष्य में। ठीक है गांधी जी, पर किस वजह से मुझे भविष्य में जाना होगा? तो ध्यान से सुनो बेटे, भूतकाल में एक पॉकेट मार बाबा रामदेव का कोई गाय का मूत्र और लॉकेट चुरा ले गया, इसकी वजह से सोशल मीडिया पर सारे लोंडे लोंडिया गार मटका रहे हैं। हाँ तो गाय मूत्र लॉकेट की वजह से ये सब हो रहा है गांधी जी। हाँ भौकाल बेटे हाँ, तुम्हें ये सब भविष्य में जाकर ठीक करना होगा। तो ठीक है गांधी जी, थोड़ा तेल मिलेगा, मेरी जीभ घर पे आई हुई है। तेल तो नहीं है, वैसे वैसलीन ले जाओ। अबे गांधी थोड़ी सोच तो अच्छी रख ले, पकोड़े के लिए तेल मांगा था, अब रहने दे, मुझे भविष्य में भेज दे। ठीक है बेटे जाओ, तुम भविष्य में जाओ। ठीक है भाई तू घर जा, भाभी को बोल दियो भैया गया तेल लेने। अबू क्या है आपके पास, क्या करा है आपने हम लोगों के लिए? कोई जवाब नहीं है आपके पास? आपसे अच्छा तो शर्मा जी है, आपका वो दोस्त पड़ोसी, सब है उसके पास, दौलत है शौहरत है सब है उसके पास, क्या है आपने, क्या करके रखा है हम लोगों के लिए? आप क्या किए हैं आप बताइए, कोई जवाब है? बस अबू बस। हाँ बेटा, मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन मेरे पास ईमान है, हम ईमानदार आदमी है और ईमानदार के साथ अल्लाह होता है बेटे। बस अबू बस, इनके सिवा बोल ही क्या सकते हो आप, बस यही रह गया था सुनने को। बेटे मैंने मेहनत करके तुमको पढ़ाई है, तुम खुद से भी तो अपना जरूरत पूरा कर सकते हो। हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा लिट्टी चोखा बेचता है, मजदूरी करता है, जब यही करवाना था तो ग्रेजुएट क्यों करवाया, क्यों पढ़ाए हम लोगों को? भजिया तेल से 5,000 का दुकान खोल देते, बात करते हैं ग्रेजुएट होकर के यदि हम लिट्टी चोखा बेचेंगे तो शर्म नहीं लगेगा अब्बू। बस अब्बू बस, औसरी वाला सरकार और ये अब्बू बस, बेकार बाबू अब्बू बेकार बा। अब्बू आज मुझे मार रहे हो अब्बू, एक दिन देखना गांडे बिछा दो पैसे। नौकरी वाले कमीना काम कोरिया, रुको तुम यार। ससुरी के सही से मुझ नहीं तो गांड में झाड़ू डाल के मार देंगे।